Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 8. Miss Dil the author written by Gavin Maxwell. तक हमने देखा कि उनके यहाँ घर पे एक अर्बन्स आए थे और वो अपने साथ मिस बिल आए थे, मतलब कि अभी वो जहाँ रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, बसरा में। तो बसरा में उनको उनका मेल मिलता है और फिर ऑटर भी मिलता है। अब आधी पार्ट टू में क्या होता है चलिए देखते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ द स्नेक बिगन अ फ्रेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू इट इज इन इफेक्ट अ ट्रेंडो टू ऑटो एंड ऑटो फिक्सेशन That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. Number three, I don't know. मतलब वो old fashion है and the being under the control of and the fixation का मतलब होगा a very strong attachment or a feeling. तो यहाँ पे जब उन्होंने open किया वो जो अंदर बंधा हुआ था, मतलब अंदर जिस पोटली में था उसको ओपन किया जैसे ही, तो वहाँ से ऑटर बाहर निकला। ऑटर वो उनके राइटर के एक नए जो लाइफ का फेज था ऑटर के साथ शुरू होने वाला था। अब एक नई ही जर्नी उनके साथ, उनके जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली उनके लाइफ में, वो यहाँ से शुरू होने वाली थी। अब क्या इफेक्ट होने वाली थी और मेरे कंट्रोल में नहीं था ऑटर उनके जो स्टार्टिंग में था तभी, और जो बाकी के जो पीपल्स हैं मोस्ट अदर पीपल्स वो हैव एवर ओन वन, जिन्होंने जो कभी मतलब कि उसको रखा होगा या फिर ऑटर को अपने एज अ पैट रखा होगा, सिंस फाउंड बी शेयर द मोस्ट अदर पीपल तो उन्होंने शेयर किया होगा। तो क्या होगा, द क्रीचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम हिज सेक ऑन द स्पेक्टुअस चैनल फ्लोर एंड ऑन टू द कंसोलेट बेडरूम resembled most of all the very small medievally conceived. Medievally conceived means क्या होगा, imagination of the middle age. जब middle age मतलब कि इंग्लैंड में लिटरेचर में डिफरेंट एजेस हैं, तो medieval एक एज ऐसी एज है जहाँ पर imagination ज़्यादा होती थी, लोग ज़्यादातर imagination में माना करते थे रियलिटी से ज़्यादा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो creatures हैं यानी कि जो ह्यूमन जो लिविंग बींग्स हैं, द क्रीचर्स इमर्ज फ्रॉम दिस सेट ऑफ दिस स्पेक्टेकुलर फ्लोर दैन कंसर्न्ड बेडरूम, जो उनके सामने था भी ऑटो उसकी बात हो रही है, द रिमेन मोस्ट ऑफ द वेरी स्मॉल एंड मीडिया वाली कंसर्न ड्रैगन। अब मीडिया वाले में भी उन्होंने जैसे ड्रैगन को इमेजिन किया था, तो अभी ये कैसा लग रहा था ऑटो, इट इज लाइक लिटिल ड्रैगन। फ्रॉम द हेड ऑफ दिस टिप ऑफ द ट्रेन ही वॉज कॉटेड विद द सीमेंटिकल पॉइंटेड स्कैल्स ऑफ मड राउंड बिटवीन वॉल टिप्स वॉज विजिबल एंड सॉफ्ट वेलवेट फॉर लाइक दैट ऑफ द चॉकलेट ब्राउन मॉल ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ कुड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव दैट लास्ट ऑफ द मड एंड सी दी ऑटो एज इट वेयर इट इन इज चू कल। अब यहाँ पे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑटो को देखा तो उसके ऊपर पूरी मड कवर हुई थी, मड से भरा हुआ था उसका जो शरीर था उसको, और उस जो उसकी स्किन थी रियल स्किन चॉकलेटी कलर की वो कहीं कहीं से दिख रही थी। अब ये मड हटाने में उन्हें एक महीने से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ये मड बहुत देर बाद निकली थी जब उन्होंने वॉश किया था, एक मंथ से ज़्यादा लगा था उन्हें ये सब साफ करने में। मिस बिल एज आई कॉल्ड द ऑर्डर, मिस बिल उनका नाम रखा था किसका, इस ऑर्डर का। इन फैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज द लेस्ट क्रिस्टनेट बाय जूलॉजिस्ट लुथ्रोवेल प्रेस्पी सी एल एट मैक्सवेल। अब जब तक उन्होंने इस प्रजाति यानी क्रीचर को डिफाइन नहीं किया, मतलब फाइंड नहीं किया था, उनके बारे में जान पड़ताल कुछ नहीं की गई थी, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने जियोलॉजिस्ट ने किया था उसके बाद से ये जो प्रजाति है वो
जो है आइडेंटिफाई हुई थी, तब उसका नाम भी नहीं रखा था कुछ, तो ऑर्डर नाम रखा था उसको, इसलिए और मैक्सवेल्स ऑर्डर्स कहते थे। अब उन्होंने हमारे राइटर ने उसे क्या नाम दिया है, मेज़बेल नाम दिया है। इस वजह से फॉर द फर्स्ट 24 hours मेज़बेल वॉज नेदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले तो जो 24 घंटे थे वो मेज़बेल ने मतलब उसके साथ फ्रेंडली नहीं हुआ था अभी तक उनके साथ, उनसे दूर ही रहता था। ही वॉज अ सिंपली अलोक ऑफ द इनडिफरेंट चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। वो उनसे दूर ही रहता था, सोता था दूर, उनसे बैठ के बहुत ज़्यादा दूर जाके सोता था। द सेकेंड माई नाइट मेज विल कम ऑन माई बेड ऑन द स्मॉल हॉर्स एंड द स्मॉल हॉर्स मीन्स वेरी अर्ली हॉर्स इन द मॉर्निंग या फिर इन द नाइट एंड दी रिमाइंडेड टू स्लीप एंड दी क्रूक ऑफ माई नीज। क्रूक माई नीज क्या होता है, बैक ऑफ अवर नीज, घुटनों के जो पीछे का भाग होता है वो, अंटिल द सेवंथ बर्थ इन द मॉर्निंग एंड द ड्यूरिंग द डे ही बिगेन ड्यूरिंग द डे बिगेन टू दिस अपार्टिंग एंड टेक अ नी मच टू मी इंटरेस्टेड इज सराउंडिंग। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड दे टुक हिम ऑन द लेन on the bathroom wall where for half an hour he wanted to wind with the joy and the water plumbing and the rolling in and the shouting up and the down in the left and the shooting up the long the length, the length of the bathtub underwater and the making enough slush and the splash of the hippo. This I want to learn is the characteristic of otters. Every drop of the water must be, so to speak, expanded and spread about the place and the growth must at once be a overturned or if it will not be a overturned be set in and splashed in unit it overflow water must be kept on the move and made to do things when static is it wasted and the provoking. अब यहाँ पे बात है अ पार्टी मीन्स क्या होगा, अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट टू स्पोक स्पीक मीन्स एज इट वेयर वंस कुड से दिस एंड प्रोवोकिंग मीन्स होगा कोई सी एंगर इन सम अदर रिएक्शन। अब पहले बात तो वो उनके 24 घंटे जो है ऑटर उनसे मिला जुला नहीं था, फिर दूसरी रात को क्या होता है ऑटर उनके नी के पीछे आके बेड के ऊपर सो जाता है सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में, और फिर जब सुबह को उठता है तो जो हमारे राइटर है उन्होंने एक बेड बनाया था उसके लिए, बेड में उसको अपने साथ ऑर्डर को बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पे वो जैसे ही टब में पानी देखता है वो उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या कि उन्हें पानी जो है स्टिल नहीं पसंद है, उनमें वो किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं उन्हें ये पसंद है। अगर ऐसे नहीं होता तो उन्हें लगता है कि वाटर वेस्ट हो रहा है, तो वो किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं, उसको हिलाते रहते हैं पानी को, ये अच्छे लगते हैं। तो ये इनकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है। टू डेज लेटर मेज़बेल एस्केप्ड फ्रॉम माय bedrooms as I entered it and I turned to see him take disappearing round the bank of the corridor that led to a bathroom. By the time I got there was the up on the end of the bathtub and the flumbing and the transforming flumbing ka matlab kya hoga, trying to do something in a clumsy manner. Chromium steps with his paw, his watched amazed and the legs than the meat. He had turned and the tap far enough to produce the trickle of water and the after a moment or two achievements that the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions he would sometimes scrape it up still tighter. Chitterings with the irritation and the disappointment at the attempts of failure of cooperate. अब यहाँ पे एक बार उन्होंने देखा कि मेज़बेल क्या कर रहा है, वो कॉरिडोर से सीधा बाथरूम में जा चला गया और बाथरूम में उसने बाथटब पे जो एक नल है उसको घुमाया और जो वो बहुत ट्राई कर रहा था घुमाने की, तो उससे पानी जो है नल खुल जाता है और पानी जो है बाथटब में गिर जाता है। अब वो जितना भी है वो फ्लो हो रहा है उसको अच्छा लगता है, तो वो नल को जितना उसे उतना घुमा रहा है। अब कभी कभी क्या होता था कि वो अमेज्ड हो जाते हैं क्या देख के, कभी भी मेज़बेल है वो फिर से नल
खोलने की कोशिश करता है, पर वो कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में जो है नल खोलने की कोशिश करता है। इस वजह से उसे लगता है कि नल उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाता है और उसका जो चिरपिंग है उसकी आवाज़ें से आवाज़ें निकालने लगता है। तो ये भी जो है इसके कैरेक्टर्स है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिम नेम। अब धीरे धीरे वो ट्रेनिंग उसकी होने लगी थी, वो जब भी मिस बिल को नाम से बुलाते थे मिस बिल उनके पास आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ही स्पेंड हावर्स सर्फिंग रब्स शफलिंग अ रबर बॉल अराउंड द मून लाइक अ फोर फुटेड सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल फोर फिट to a dribble the ball and he could also throw it with the powerful flick of the flick means क्या होगा quick light move of the could also throw it with the powerful flick in the net or to the surprising height and distance but the real play of an otter is the well he lies on his back and the juggles means क्या होगा उसको खेलना या घुमाना या उसको रब करना with the small object between his palms ragarna marbles were Jim's favorite toys for the past time he would lie on his back rolling two or more of them up and down and his wide and flat belly without ever dropping to the on to the floor। अब यहाँ पे मिस बिल की जो सारी चीज़ें थी उसके बारे में बताइए कि वो क्या क्या खेलता था। जनरली तो रोलिंग करता था, खेलता था, कभी कभी मार्बल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट रहती थी और वो बॉल के साथ खेलता था, पाम में अपने रब के उसे रब करता था। तो ये सारी उसके खेलने की चीज़ें हैं। और नेक के साथ इतनी ज़ोर से किक मारता था अपने बॉल को और बहुत ज़्यादा सारी गेम्स थी। और उसकी फेवरेट गेम थी मार्बल्स के साथ खेलना। वो पेट के बल नीचे लेट जाता था और सारी मार्बल्स से दो तीन मार्बल्स अपने पेट पे रहता था, उसको जो है रोलिंग करता रहता था और वो उसको एक भी मार्बल नीचे ना गिरे उस तरह से रोल करता रहता था। तो ये सारी उसकी गेम्स थी जो मिस बिल खेला करता था। अब आगे की जो स्टोरी है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।